अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही टेस्टी, एक बहुत ही डिलीशियस, एक माउथ वाटरिंग यमनी स्टाइल में एक मटन स्टू बनाएंगे। ये एक यमनी का कुजीन है। चलो देखते हैं कि ये रेसिपी कैसा बनाते हैं बोल के। पहले हम लोग यहाँ पर 2 टेबलस्पून ऑनियन पाउडर लेंगे और उस ऑनियन पाउडर को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद उस पर हम लोग ऑनियन डाल के फ्राई कर लेंगे। ऑनियन अच्छा सा सॉफ्ट होते तक हम लोग फ्राई करना है। उसके बाद हम लोग इस पर मटन ऐड कर देंगे। इस पर थोड़ा सॉल्ट डाल लेंगे, ब्लैक पेपर, क्यूमिन पाउडर और गार्लिक क्लाउस हम लोग फाइनली चॉप किए हैं। अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा से मिक्स करने के बाद हम लोग इसको 1-2-3 मिनट सॉटे करेंगे। फिर इस पर जाएगा ग्रीन चिली और रेड चिली का पाउडर और फिर थोड़ा पैपरिका। फिर से मिक्स कर लेते हैं। टोमेटो ऐड कर लेते हैं और थोड़ा कोरिएंडर। ये सब डाल के हम लोग 1-2-3 मिनट अच्छा सा सॉटे कर लेंगे। फिर इस पर जो ऑनियन पाउडर हम लोग जो फ्राई करके रखे थे उसको डाल लेते हैं। और थोड़ा स्प्रिंग ऑनियंस डाल लेते हैं और फिर थोड़ा पानी डाल के हम लोग अभी मटन को कुक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर को क्लोज करके हम लोग इसको अभी 3 से 4 विसल कुक करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, हम अब 3 से 4 विसल के बाद हमारा मटन अच्छे से गल गया है और मटन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अभी इस टाइम पर क्या करेंगे हम लोग, अभी थोड़ा वाटर ऐड करेंगे। जितना कंसिस्टेंसी आपको वो स्टू चाहिए तो उतना कंसिस्टेंसी आप लोग अभी पानी ऐड कर लेना है। पानी और नमक इस टाइम पे हम लोग चेक कर लेंगे। फिर हम लोग उस पर थोड़ा ब्रोथ लेंगे उस पे से और इस पर 1 टेबलस्पून फ्लोर ऐड करेंगे, ऑल पर्पस आटा डाल के हम लोग अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अभी इस आटा मिक्स को हम लोग अपना स्टू पे डाल लेंगे। इससे अभी हमारा ब्रोथ अभी थोड़ा थिक हो जाएगा। हम लोग अभी 5 मिनट हम लोग अच्छा सा हाई फ्लेम पे पका लेंगे। अभी दोस्तों देखो, हमारा यमनी स्टाइल में मटन मीट का एक स्टू रेडी हो गया है। तो एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही एक डिलीशियस एक स्टू है। खाने में बड़ा मज़ा आता है, एक मज़ेदार डिश है। तो हम लोग ये अभी यमनी स्टाइल में हम लोग रेसिपी पकाए तो एक बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया होगा।
प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना, और ये वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट करना। हम लोग फिर मिलते हैं ऐसे एक मजेदार डिश पे, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।